एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देशन में पुलिस बीट प्रणाली को लागू करने का कार्य शुरू हो गया है, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि इसके पहले की बीट प्रणाली सिस्टम पुरानी हो चुकी है तथा इस दौरान जिले में नई आबादी और नई नई कॉलोनियां बस गई हैं, जिसको देखते हुए पुरानी बीट प्रणाली को और बेहतर बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि जिले में 3 एसपी को जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने सीओ और एसएचओ के साथ बैठक कर बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों में बीट प्रणाली लागू करें तथा क्षेत्र में हुए अपराधों एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा भी करें। एसएसपी ने कहा, बीट प्रणाली के तहत अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए बीट सिस्टम एक पुलिस का एस्टेब्लिश्ड पुरानी एक सिस्टम है। इसमें बहुत दिन से गोरखपुर ज़िले में जो बीट सिस्टम्स जो है रीऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। अभी काफ़ी सारे नई नई आबादी नई बस्तियां बस गई है और कई सारे जगह पे जो बीट पुराने सिस्टम पे चल रहा बीट वितरण ठीक से नहीं हुआ था। इसी क्रम में एडीजी जोन महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार डीआईजी सर के आदेशानुसार हम लोग बीट सिस्टम्स को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 3 या एडिशनल एसपी से एसपी सिटी एसपी नॉर्थ और एसपी साउथ इनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने एसएचओस और अपने सीओस के साथ बैठ के बढ़ती हुई आबादी एवं बढ़ती हुई जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानें जहाँ ज़्यादा हुआ, जैसे गीड़ा जैसे थाने, नए नए थाने बने हैं, एम्स थाने बनी है, नई थाना बना है, रामगढ़ताल नया थाना बना है, यहाँ की बीट अलग सिस्टम होगा और इनके पॉपुलेशन बेस्ड एक डेटा बेस्ड बीट वितरण और इसमें पुराने मुकदमे कितने लिखे गए हैं इन बीटों में, मुकदमे या फिर क्राइम कहाँ ज़्यादा है, इस हिसाब से सारे चीज़ों को मन में रखते हुए बीट सिस्टम वितरित करते वहाँ पे पर्याप्त कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर लिंक ऑफिसर्स के साथ नियुक्त करा के उनको बीट बुक जो पहले से हैं उसको अपडेट करना है। साथ साथ जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं यूपी कॉप हो, प्रहरी बीट ऐप हो, सी प्लान ऐप हो, त्रिनेत्र ऐप हो, या फिर हमारे द्वारा जो चालू कराया गया ऑपरेशन 15 हो, सब में बीट सिपाही तक जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। जो सिपाही अच्छे काम करेंगे उनको पुरस्कार और बीट कॉप ऑफ द मंथ, जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं उनको प्रोत्साहन करके उनको मोटिवेट करके आगे जो और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत एक अच्छा प्लान चल रहा है।